भारत के लोगों को जल्द लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। स्पुतनिक के डेटा का परीक्षण किया जाएगा, केंद्र सरकार ने कहा है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर वीके पॉल का इशारा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की तरफ भी है कि उनका कहना है कि जल्द ही जॉनसन एंड जॉनसन भी भारत आएगी। और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ जो खूबी है वो ये है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, इसमें आपको डबल डोसेज एडमिनिस्टर नहीं करनी पड़ती, और इस तरीके से आपका जो प्रेशर है लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में वो कम होगा। वीके पॉल ने ये भी बताया है कि वैक्सीन के आने से भारत में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ जाएगी। और इससे पहले कि मैं अपने दोनों मेहमान जो अभी कुछ कहने के लिए उद्यत थे उनके पास जाऊं, सर अपना पॉइंट याद रखिएगा और वहां पर आप शुरू कीजिएगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जरूर मैं डेसिमिनेट करना चाहता हूं इस वक्त यहां इसी जंक्चर पर अपने दर्शकों के साथ। खुशखबरी यह है कि एक और दवा मंजूर हुई है। वो कौन सी दवा है? स्विस कंपनी ने एक एंटीबॉडी कॉकटेल को मंजूरी दी है। भारत में इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर मंजूरी मिल गई है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मिक्स होगा, कॉकटेल होगा। यूरोप और अमेरिका के डेटा के आधार पर इसको अप्रूवल दिया गया है। यूरोप और अमेरिका में इसके बड़े हार्टनिंग नतीजे निकले हैं और उसको उस डेटा को देखने के बाद हिंदुस्तान ने भी उसको अप्रूवल दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, एंटीबॉडी कॉकटेल है, दो एंटीबॉडीज का मिक्सचर है। एंटीबॉडी आप जानते हैं किसी एंटीजन जो बाहर से आया हुआ हमलावर हमारे शरीर में घुसता है उसके खिलाफ हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है एंटीबॉडी के तौर पर। अब अगर उस एंटीबॉडी को आप उस एंटीजन के खास एपिटोप के लिए टारगेट करने वाला बना दें तो उसको बोलेंगे आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एक ही एंटीबॉडी के कई तरह के क्लोन जो एक खास तरह के एंटीजन को टारगेट करते हैं और उसको नष्ट करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल इस मामले में कहा जा रहा है कि पूरे लैंडस्केप को चेंज करने वाला होगा, कम से कम लोगों की डेथ के सिलसिले में, हॉस्पिटलाइजेशन के सिलसिले में। स्विस फार्मा कंपनी रोशे के एंटीबॉडी उसने इस एंटीबॉडी को मंजूरी उसको मिल गई है और मरीजों की स्थिति को संभालने के संदर्भ में शुरुआती दिनों में, संक्रमण के शुरुआती दिनों में मरीजों की हालत बिगड़े नहीं, उनको हॉस्पिटल जाना ना पड़े और डेथ रेट्स को कंट्रोल किया जा सके, इस सिलसिले में ये एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। और भारत में सिप्ला को एंटीबॉडी कॉकटेल बनाने का अधिकार मिला है, उसके वितरण का अधिकार मिला है। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं खासतौर से क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल होता रहा है पहले से ही कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो मैं ये समझना चाहता हूं, आप हमारे साथ इत्तेफाक से आज दोनों ही मेहमान जो जुड़े हुए हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर श्याम, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये बहुत बड़ी उम्मीद है हम सबके लिए? दिनेश, मैं पहले अपना एक पॉइंट रख देता हूं वैक्सीन के बारे में, जो कि एक और खुशखबरी है कि भारत बायोटेक ने हैफकिंस इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है वैक्सीन को बनाने के लिए। Great. और पेनेशिया बायोटेक से उनकी डिस्कशंस अप्रैल से अब चल रही हैं ताकि उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है जिससे कि वैक्सीन की प्रोडक्शन में तेजी आएगी। ग्रेट। जहां तक की बात है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के मिश्रण की, तो ये DCGI ने अप्रूवल दे दिया है रोश को, क्योंकि रोश ये दवाई लेके आई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको शुरुआती 4-5 दिनों में, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को बुखार होती है तो आप अपना टेस्ट कराते हैं RT-PCR, आपका 6 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। और ये एक सिंगल शॉट, जो कि आप चमड़ी के नीचे जैसे इंसुलिन लगती है ऐसे ले लें, तो उससे आपका वायरल लोड नेजल कैविटी में, क्योंकि बेसिकली आप सब हम जानते हैं आप कि जो वायरस है वो स्पाइक प्रोटीन के जरिए नोज में जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं उससे बाइंड करती है, तो जो एंटीबॉडी है ये वहीं पहुंच जाती है, ठीक है। और ये बाइंडिंग को रोक देने से ये वायरस बॉडी में या नेजल सेल्स के अंदर, नाक के सेल्स में एंटर ही नहीं कर पाती है। ओके। और इस वजह से इनके जो लक्षण हैं, बुखार है, खांसी है, जो भी होते हैं, वो सब रुक जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करनी पड़ती है और डेथ रेट नहीं घट जाती है, लगभग 70% रिस्क रिडक्शन है। मतलब ये समझा जाए डॉक्टर श्याम अग्रवाल कि अगर हम अगली लहर के पहले पहले कम से कम इसको सफिशियंट क्वांटिटी में हमारे यहाँ मंगा लेते हैं, और दूसरा ये भी इसको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बड़ी महंगी होती हैं।
इसकी जो कीमत हम सुन रहे हैं लगभग 50-60 हज़ार की रेंज में आएगी। और ये भी बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे उनको ये एंटीबॉडी लगी थी और वो 3-4 दिन में अस्पताल से बाहर आ गए थे। तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल शुरू के 4-5 दिन में ही करना है जबकि वायरल लोड ज्यादा होता है और शरीर ने अपनी एंटीबॉडीज अभी नहीं बनाई। राइट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।